इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे फ़ोन में मैसेजेस के अंदर एक ऑप्शन होता है RCS चैट। तो बेसिकली RCS चैट होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको मैसेजेस सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर जनरल के ऑप्शन पे जाना है एंड सबसे ऊपर ही RCS चैट्स दिख जाता है, इस पर क्लिक करें। अब RCS चैट होता क्या है यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए RCS चैट का एडवांटेज ये है कि RCS चैट से आप फ़ोटो भेज सकते हैं हाई क्वालिटी की किसी को मैसेज के थ्रू, ठीक है। मैसेज के थ्रू किसी को फ़ोटो भेज सकते हैं, हाई क्वालिटी के वीडियोस भेज सकते हैं, और जब आप टाइप कर रहे हैं या फिर सामने वाला टाइप कर रहा है तो जैसा व्हाट्सएप पे आता है कि टाइपिंग, तो यहाँ पर भी आपको टाइपिंग लिख कर आएगा। देन इसके बाद रीड रिसिप्ट, यानी कि सामने वाले ने पढ़ लिया है तो वो डबल टिक हो जाएगी, वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, और सामने वाले ने मैसेज देख लिया तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे बहुत से फीचर्स अलग अलग होते हैं। टाइपिंग इंडिकेटर, यानी सामने वाला टाइप कर रहा है वो भी आपको दिख जाता है। तो ये सब फीचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टर्न ऑन RCS चैट, व्यूज वाईफाई और डेटा फॉर मैसेजिंग व्हेन अवेलेबल। तो हमेशा इसे ऑन रखें, कभी भी आपका मैसेज नहीं जा रहा होगा तो RCS से मैसेज चले जाएगा। देन सेंड रीड रिसिप्ट, तो इसे ऑन रखें। रीड रिसिप्ट यानी सामने वाला पढ़ सकता है कि आपने मैसेज देख लिया है। शो टाइपिंग इंडिकेटर, जब आप टाइप कर रहे हैं तो सामने वाला देख सके कि आप टाइप कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली रिसेंट एज अ टेक्स्ट, अगर मैसेज आपका नहीं जाता है एज अ SMS तो आप ये ऑन कर दीजिए, RCS मैसेज के थ्रू वो चले जाएगा। एंड बैकअप कर सकते हैं यहाँ पर, एंड ऑटो डाउनलोड फाइल दैट यू रिसीव ओवर मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा के थ्रू अगर आपको कोई फाइल मिलती है तो 105 MB तक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट ही है, डाउनलोड हो सकता है ऑटो डाउनलोड, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इसे रोमिंग के टाइम ऑन करना चाहे या ऑफ करना चाहे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।